हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के साइड बाय साइड फ्रिज के बारे में, जो कि 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर शो हो रहा है और ये किस पार्ट का एरर है वो आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। साथ ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये साइड बाय साइड फ्रिज है और इसमें कंडेंसर फैन चल रहा है, जो कि कंडेंसिंग, जो कंडेंसर बाजू में लगा हुआ है ब्लैक कलर का, वो उसको कंडेंसर हीटिंग को ठंडा करता है। यानी कि ये जो कंडेंसर फैन है वो कंडेंसिंग करता है, एयर को जो है उसमें से सर्कुलेट करा के वो बाहर की तरफ फेंकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर है। इसकी पीसीबी ऊपर की साइड में आती है, जो कि आप इसमें एक मेन कार्ड होता है और एक इन्वर्टर कार्ड होता है, जो कि ये फ्रिज इन्वर्टर है। इन्वर्टर कार्ड में ब्लिंक 4 टाइम हो रही है, आप इसको गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 टाइम का ये ब्लिंकिंग एरर शो हो रहा है। आप इसको 4 टाइम ब्लिंकिंग को गिनिए और इसको कंफर्म करिए कि हमारा जो ब्लिंकिंग हो रहा है कितने टाइम हो रहा है। तो ये 4 टाइम हो रहा है, तो 4 टाइम का हम आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात कर रहे हैं, जो कि आप पीछे की साइड में आप चेक करेंगे तो इसका कंडेंसर फैन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चलेगा, लेकिन कंप्रेसर इसका स्टार्ट नहीं होगा। आप सामने फ्रंट पर भी देख सकते हैं इसके कंप्रेसर की वारंटी 10 ईयर्स वारंटी लिखी हुई आती है। ये साथ ही ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में आपका रेप कंपार्टमेंट का टेम्परेचर और फ्रीजर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बताता है। चूँकि ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है, इसमें -डिग्री का टेम्परेचर रहता है और साथ ही साइड में जो आता है उसमें रेफ कंपार्टमेंट उसको बोलते हैं, इसको रेफ कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें 1 डिग्री तक आता है, +1 डिग्री तक सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर आता है, जो कि सिर्फ ठंडे का काम करता है। और एक साइड माइनस होता है, तो जो माइनस में होता है उसको फ्रीजर कंपार्टमेंट बोलते हैं और जिसमें +डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसको रेफ कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये साइड बाय साइड फ्रिज है डबल डोर का, जो कि ये 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर शो हो रहा है और ये शो होने की वजह से कंप्रेसर इसका नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंप्रेसर आपको हम दूसरा नया डाल के हम देखते हैं कि आखिर में रिजल्ट क्या आता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो फिर हम सबसे पहले इसके हम जैक को लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे। अब हम जैक को इसको हम फिट कर देंगे और साथ ही फिट करने के बाद अब हम इसके प्लग को लगाएंगे बोर्ड में, पावर बोर्ड में। अब हमने ये लगा दिया है और ये अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं ये फ़ैन अभी 2 से 3 फैन भी स्टार्ट हो जाएगा 3 सेकंड के अंदर और कंप्रेसर भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ये कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो चुका है, कंप्रेसर भी परफेक्ट चल रहा है। अब ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है तो ये आपका 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर शो अब नहीं होगा, यानी कि 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर शो अभी नहीं हो रही है आपके फ्रिज में। तो ये सॉल्यूशन आपका हो चुका है, कंप्रेसर आप इसमें लगाएंगे, गैस चार्ज करेंगे तो आपका कंप्रेसर अच्छे से चलेगा और ये 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने ये रिजल्ट है कि कंप्रेसर का 4 टाइम ब्लिंकिंग एरर साइड बाय साइड फ्रिज में आते हैं और इसका पंपिंग वगैरह भी आप चेक करके देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रेशर भी परफेक्ट हो रहा है इसका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।